आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है, 18 माइस वर प्लेस्ड इन टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन कंट्रोल ग्रुप विद ऑल 18 ग्रुप्स इक्वली लार्ज। इन हाउ मेनी वेज कैन द माइस बी प्लेस्ड इन टू थ्री ग्रुप्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ वेज इन विच 3m थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री इक्वल ग्रुप्स ईच हैविंग m थिंग्स इज इक्वल्स टू 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का क्यूब इन टू 3m फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही कंडीशन इसमें भी हो रही है क्वेश्चन में। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप कुछ चीज़ें हैं उनको इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आपका इस तरह से दिया जाएगा। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, आपको ग्रुप बनाने हैं, इक्वल ग्रुप बनाने हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि आपने ग्रुप बना लिए, इक्वल ग्रुप बना लिए और उनको आपने तीन अलग अलग पर्सन्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का होल क्यूब। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस 3 फैक्टोरियल में तीन पर्सन थे तो ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने देखा ही अरेंजमेंट में कि अगर आप किसी भी चीज़ को तीन पर्सन में डिवाइड कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल वेस में आप कर सकते हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पहली कंडीशन हो रही है। किस तरह से? आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर 18 माइस हैं, तो 18 मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 × 6। ठीक है, और 3 × 6 इज इक्विवेलेंट टू 3m। अब आपने क्या करा, तीन इक्वल ग्रुप बनाए। यहाँ पर भी आप देखिए, टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन कंट्रोल ग्रुप। आप नाम पे मत जाइए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये तीन ग्रुप बना रहे हैं और तीनों ग्रुप क्या हैं, इक्वल हैं, जिसके अंदर छः छः माइस प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर थ्री इक्वल ग्रुप्स ऑफ 6 माइस ईच, 6, 6 और 6। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थ्री इक्वल ग्रुप्स आर टू बी फॉर्म्ड, दिस इज पॉसिबल व्हेन ईच ग्रुप हैज 6 माइस ईच। ठीक, देन आप ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 18 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड 3 × 6, इसका फैक्टोरियल 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देख लीजिए आप, 3m फैक्टोरियल तो 3 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल, तीन बार आ रहा है ये, और × 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया आपका, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग इफ दे कैन बी ऑफ एनी कलर। पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। देखिए टोटल मार्बल्स ये कितने हैं आपके पास, 6 व्हाइट और 5 रेड, तो 6 + 5 11। इसमें से आप 4 ड्रॉ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 4 मार्बल्स ऑफ एनी कलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 11C4। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं है स्पेसिफिकली कि वाइट इतने होना चाहिए, रेड इतने होना चाहिए। उन्होंने बोला 4 मार्बल्स आप कैसे भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो आप 11C4 तरीके से इसको कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। देन सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, ये 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड, दो सफ़ेद होना चाहिए और 2 रेड होना चाहिए। तो ये भी बहुत इजी है, आपके पास वाइट कितने हैं टोटल 6, इसमें से आपको 2 लेना है तो 6C2, और 2 रेड हैं तो 5C2। अब 2 मस्ट बी वाइट, तो ये आपका हो जाएगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C2। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एंड बीच में लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 × 10, 6C2 आपका होता है 15 और 5C2 10, तो 150। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट, इसमें क्या बोल रहे हैं आपसे, दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो ये कंडीशन और वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि आप जो 4 मार्बल्स ड्रॉ कर रहे हैं
वो चारों के चारों या तो वाइट होंगे या तो रेड होंगे, ठीक है। 6C4 + 5C4, तो 6C4 + 5C4, ठीक है। और वाला केस लग रहा है यहाँ पे। अब ये कितना हो गया आपका, 15 + 5C4 = 20, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स, हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं ये, कि आपको 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स चुनने हैं, सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से कि आपको दो प्लेयर तो लेने ही हैं, ठीक है। तो इंक्लूड इसका मतलब क्या हुआ, टू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब प्लेयर्स टू सिलेक्ट कितने बचे, 11 की टीम बनाना है, आपने दो ऑलरेडी चुन लिए, तो आपको नौ प्लेयर्स और चुनना है, तो प्लेयर्स टू सिलेक्ट 9, और ये 9 प्लेयर्स किसमें सिलेक्ट करना है आपको, आउट ऑफ 14, क्योंकि दो जो आपने इंक्लूड किए हैं वो इन 16 में से ही किए, तो दो प्लेयर्स इसमें से कम हो जाएंगे, आपको 14 प्लेयर्स में से अब फाइनली नौ प्लेयर और चुनना है। तो दिस कैन बी डन इन 14C9 वेस, ये इसके पहले पार्ट का आंसर है। देन सेकंड पार्ट, एक्सक्लूड टू प्लेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, कि आपने 16 प्लेयर्स में से दो प्लेयर को हटा ही दिया है, इनका चयन नहीं किया है, ठीक है। एस टू प्लेयर्स आर आउट ऑफ टीम, देयर फोर 11 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 रिमेनिंग प्लेयर्स, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा, इंक्लूड में क्या होता है कि आपने दो प्लेयर्स रिजर्व कर दिए हैं, वो आ ही रहे हैं, तो जितने भी प्लेयर्स थे टोटल नंबर, उसमें से दो आपने हटा दिए, अब बाकी जो बचे हैं उनको आपने सिलेक्ट किया, ये इंक्लूड में होता है। और एक्सक्लूड में क्या है, दो प्लेयर ऑलरेडी आउट हैं, मतलब वो नहीं खेल रहे हैं, तो आपके पास रिमेनिंग प्लेयर्स 14 बचे हैं और आपको पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स उसमें से चूज करना है, ठीक है। इसके से क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो दिस कैन बी डन 14C11 वेज, ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्पोर्ट्स टीम ऑफ 11 स्टूडेंट्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड चूजिंग एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11th एंड एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 12th। इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ दिस क्लासेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यही बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक कॉलम बना लीजिए, ये आपकी क्लास 11th और ये क्लास 12th, दोनों के पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। अब स्पोर्ट्स टीम कितने की बनाना है आपको, 11, जिसमें कि दोनों के कुछ कुछ स्टूडेंट्स आना चाहिए। अब इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, कि एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11th और एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 12th, ऐसा होना ही चाहिए। मतलब कम से कम 5 जने 11th से और कम से कम 5 जने 12th से होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपन कर लेते हैं पहले केस वन, आपने 5 स्टूडेंट्स 11th क्लास से चूज करे, तो टोटल 11 करने के लिए आपको क्लास 12th में से 6 स्टूडेंट्स को चुनना पड़ेंगे, तो 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है आपका, 20C5, दिस कैन बी डन इन 20C5 वेस, और यहाँ पर 20C6 वेस, तो दोनों को आपने कंबाइन किया, तो ये कितना हो गया, 20C5 × 20C6, 5 जने क्लास 11th में से और 6 जने क्लास 12th में से। अब केस टू क्या है, इसको मैं एक साथ ही करके लिख देता हूँ, ऐसा कॉलम बना के नहीं लिखता हूँ, आप समझ ही गए हैं। अब क्लास 11th में से कितने चुनना है आपको, 6, और क्लास 12th में से 5, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन का खास तौर से ध्यान रखिए, उन्होंने क्या बोल रखा है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एटलीस्ट 5 फ्रॉम ईच। तो आप गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि आपने 7 स्टूडेंट्स क्लास 11th में से चुन लिए, आप कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको, क्योंकि 11 की टीम बनाना है, आपको 12th क्लास में से 4 जने लेना पड़ेंगे, तो ये आपकी कंडीशन के खिलाफ है, क्योंकि कम से कम 5 जने होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 20C6 × 20C5। अब यहाँ पर दो केस हैं, ये दोनों केस कैसे हैं, और वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट वाली बात बोली है, तो या तो आपका केस वन जो था ये होगा, या तो केस टू होगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसी लग रही है, और वाली। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेस
इज इक्वल्स टू 20C5 मल्टीप्लाइड बाय 20C6 प्लस 20C6 मल्टीप्लाइड बाय 20C5। अब देखिए आप दो बार आ रहा है ये, तो आप 2 का मल्टीप्लाई आगे कर दीजिए, तो 2 इंटू 20C6 इंटू 20C5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज, फर्स्ट पार्ट है इसका नो गर्ल्स, ठीक है इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, इसका पहला पार्ट है नो गर्ल्स, इसका मतलब क्या है, आपके पास टोटल 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, तो आपको 4 गर्ल्स में से कुछ भी गर्ल्स सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको 5 मेंबर्स को 7 बॉयज में से चुनना है, ठीक है। हियर 5 मेंबर्स, इट कैन बी डन 7C5 वेस, बहुत ही सिंपल था ये, 7 बॉयज थे, 5 का आपने चयन कर लिया, तो 7C5 वेस, गर्ल्स एक भी नहीं चाहिए थी आपको, ये कितना हो गया आपका 21 वेस, ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, आपके केसेस बनेंगे अलग अलग, क्यों, क्योंकि इन्होंने कम से कम एक लड़का और एक लड़की को लेने के लिए बोला है, यहाँ पर 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं, तो केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको 5 मेंबर्स चूज़ करना है, तो आपने पहले केस में 1 गर्ल और 4 बॉयज़ लिए, टोटल मिला के 5 मेंबर्स होना चाहिए, तो 5 मेंबर्स के लिए आपकी जो कंडीशन दे रखी है एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल, तो आपको 1 गर्ल तो लेना ही पड़ेगी, तो पहले केस में क्या हो गया 1 गर्ल और 4 बॉयज, तो ये कैसे हो जाएगा, आपके पास टोटल 4 गर्ल्स है तो 4C1, आपके पास टोटल 7 बॉयज़ हैं तो 7C4, ठीक है, नंबर ऑफ वेस। इसके बाद इसका केस 2, 2 गर्ल्स और 3 बॉयज, तो नंबर ऑफ वेस इसमें क्या हो जाएंगे, 4C2 इंटू 7C3, हाँ इसको आप सॉल्व भी कर लीजिए हाथों हाथ, ये क्या है आपका 4 इंटू 35, 7C4 मतलब 35, ये आपका हो जाएगा 140। उसके बाद 4C2 ये होता है आपका 6 और 7C3 भी आपका 35 ही होता है, ये हो गया आपका 210, ठीक है। इसके बाद केस 3, केस 3 में 3 गर्ल्स और 2 बॉयज, एट लास्ट आपका केस 4, 4 गर्ल्स 1 बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है आपका एटलीस्ट वाला केस है, तो एटलीस्ट वाले केस में आपके 4 केसेस बने हैं और यहाँ पर कंडीशन काय की लग रही है, और कंडीशन या तो 1 गर्ल 4 बॉयज, 2 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, या फाइनली 4 गर्ल्स 1 बॉय, इन चारों केसेस में से कोई सा एक केस होगा, इसीलिए अपन इन सबको प्लस करेंगे, तो नंबर ऑफ वेस ये आपका हो गया 441, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब क्या है, 3 लड़कियां हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ज़्यादा कितनी होगी, 4 ही होगी, तो उसमें 2 केसेस बनेंगे, एक केस आपका क्या रहेगा 3 गर्ल्स 2 बॉय और 4 गर्ल्स 1 बॉय, क्योंकि टोटल आपको 5 जने चाहिए, तो थर्ड पार्ट 3 गर्ल्स 2 बॉयज, ठीक है। अभी आपने ऊपर किया 3 गर्ल्स 2 बॉयज, इसमें क्या हो रहा था आपका 84 आ रहा था, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वेस इज इक्वल्स टू 84। उसके बाद केस 2, ये भी आपने इवन अभी ऊपर किया था 4 गर्ल्स 1 बॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा 7, तो टोटल नंबर ऑफ वेस, क्योंकि यहाँ पर और वाली कंडीशन लग रही है, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, इसीलिए ये आपका हो जाएगा प्लस 91, ये इसका आंसर है।